क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, देखो हमारे पास मान लो दो मीडिया है, एक है हमारा डेंसर मीडियम, एक है रेयरर मीडियम। यहाँ से मान लो मैं इस तरीके से रे को इंसिडेंट कराऊंगा तो वो सीधे के सीधे ऊपर निकल जाती है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से रे को इंसिडेंट कराऊंगा तो वो ऐसे सीधे नहीं निकलेगी, वो थोड़ा सा इस तरीके से अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाती है। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा देता हूँ तो रे और इस तरीके से बेंड हो जाती है, लेकिन एक टाइम आएगा कि रे बेंड होते होते एकदम इस तरीके से 90 डिग्री पे जाने लग जाएगी। तो वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, मान लो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए हमारा रिफ्रैक्शन वाला जो एंगल है उसकी वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। उससे ज़्यादा फिर एंगल पे मैं इंसिडेंस कराऊंगा तो फिर हमारा रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज नोन एज क्रिटिकल एंगल, जिसको लिखा जाता है थीटा सी से, या फिर आप उसे आई सी भी लिख सकते हो, या फिर उसको कुछ लोग सिर्फ सी लिख देते हैं, और ये किसी गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए डिफाइन है। मीडिया का मतलब क्या होता है, हमारे पास दो मीडियम होते हैं, एक होता है रेयरर मीडियम, दूसरा होता है डेंसर मीडियम। अच्छा, तो इसकी कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हमें सिर्फ स्नेल्स लॉ लगा देना। पहले तो हम रे बना लेते हैं, देखो ये हमारी रे आई और हम मान लेंगे कि वो आफ्टर रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के एंगल पे निकली है, और ये जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता है उस केस में हम उसे बोल देते हैं आई इज इक्वल टू थीटा सी। हम लगा देंगे स्नेल्स लॉ, एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर। एन वन क्या है, यहाँ से हमारी रेज इस तरफ जा रही है, तो ये है मीडिया वन, ये है मीडियम टू, तो एन वन की वैल्यू हो जाएगी एन डेंसर वाला। साइन क्या है, थीटा सी, जो हमें पता करना है, इज इक्वल टू एन आर साइन 90 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है वन। तो यहाँ पर साइन थीटा सी की वैल्यू आ जाती है इज इक्वल टू एन आर डिवाइडेड बाई एन डी, यानी थीटा सी की वैल्यू हो जाती है साइन इनवर्स एन आर अपॉन एन डी। अच्छा, डेंसर मीडियम का मतलब क्या होता है, कोई मीडियम हमारा डेंसर है इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके जो पेयर है, रेयरर पेयर है, उससे ज़्यादा होगा, यानी यहाँ पर एन डी की वैल्यू ज़्यादा होगी, एन आर की वैल्यू कम होगी, तो ये वाली वैल्यू है वन से छोटी हो जाएगी। और तभी तो साइन इनवर्स डिफाइन है, क्योंकि किसी भी एंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू वन से बड़ी नहीं होती है, तो ये वैल्यू अपने आप छोटी आने वाली है। तो मान लो हमें दो मीडिया दिया है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक का है वन दूसरे का है टू, तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि थीटा सी क्या है, हम लिख देंगे थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन बाय टू। हम ये नहीं कर सकते कि साइन इनवर्स टू बाय वन, हम कर ही नहीं सकते, ये तो गलत हो जाएगा, ये डिफाइन ही नहीं है। तो बहुत आसान है, तो इसके क्वेश्चन तो ऐसे डायरेक्टली ज़्यादा नहीं आते क्रिटिकल एंगल के, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रेजिंग इंसिडेंस को हम समझते हैं। ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या होता है, अगर हमारी यहाँ से रे सीधे ऐसे नीचे आती है, इंसिडेंट होती है, तो हम उसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंट, लेकिन अगर हमारी रे इस तरीके से यहाँ से आती है तो हम उसको बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। इसकी वैल्यू हम ऑलमोस्ट 90 डिग्री मान लेते हैं, एग्जैक्टली 90 डिग्री तो नहीं होती, अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री हो जाएगी तो वो फिर रे सीधी जाती जाएगी ना, वो कभी अंदर घुसेगी नहीं, तो ऑलमोस्ट उसको 90 डिग्री माना जाता है। इस तरीके से ये हमारा ग्रेजिंग इंसिडेंस है, ग्रेजिंग इंसिडेंस होगा और यहाँ पर इस तरीके से रे निकल जाएगी। थीटा क्रिटिकल में हमने क्या देखा था, अगर हम क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट कराते हैं उसको, है ना, थीटा सी पे, तो हमें 90 डिग्री पर रे बाहर जाती हुई मिलती है। तो इससे हमें पता चलता है यार, रे इधर से ऐसे जाएगी तो उसका उल्टा भी होगा, अगर यहाँ से आएगी तो रे जब अंदर रिफ्रैक्ट होगी तो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा सी होने वाला है, तो इधर से जाएगी मुड़ के तो उधर से आएगी तो भी ऐसे हो जाएगा, अपना पाथ वो रिट्रेस कर सकती है। लेकिन अभी भी सवाल उठता है मुझे, यहाँ से मैं अगर लाइट रे को ऐसे भेजता हूँ तो इधर जाती है, सीधी रखता हूँ तो सीधी चली जाती है, अगर थीटा सी से ज़्यादा मैंने रे को इस तरीके से कर दिया इंसिडेंट, तो अब ये रे बाहर तो रिफ्रैक्ट हो ही नहीं सकती, बाहर जा ही नहीं सकती, स्नेल्स लॉ को फॉलो कर ही नहीं सकती। ऐसे केस में होगा क्या, ऐसे केस में ये रे वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो रिफ्रैक्ट कर ही नहीं पाती है, पूरी की पूरी रे को वापस नीचे आना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 5% रिफ्लेक्ट हो गया उधर, बाकी 95% इधर आ रहा है, पूरी की पूरी रे नीचे रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसीलिए से बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो वही हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।
मेरे साथ फिजिक्स लाइव पढ़ोगे तो आ जाओ बॉम्ब फिजिक्स पे, जहाँ मेरी सभी लाइव क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री होती हैं। उनको एक्सेस करने के लिए आप आ सकते हो bit.ly/bombphysics। फिजिक्स में 4 देंगे। कहाँ होती है लाइव क्लासेस? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, जो इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। चाहे आप IIT, JEE, NEET, CBSE, फाउंडेशन, कोई भी आपका गोल हो, आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ डेली लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और बैचेस हर महीने लॉन्च होते हैं और टॉप फैकल्टी से आप लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो। तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो और अपना फ्री प्लान पहले अनलॉक करो मेरा कोड विक्रांत यूज करके, और फिर अपना प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में से जो आपको पसंद हो वो लो, ताकि आपकी रैंक इंप्रूव हो सके। तो मिलते हैं लाइव अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे bit.ly/bombphysics।